हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक लगा है कि 16-17 घंटे कैसे मैं पढ़ाई करती थी, तो उसका डेमो मैं अभी आपको देती हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, ठीक है। तो चाय बनाते टाइम जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे 8 तक टेबल आते थे, 8 के बाद मुझे टेबल नहीं आते थे। तो और मैंने याद किया था 40 तक। अच्छा, तो 30 तक तो जल्दी याद हो गया, लेकिन अगर आप 31-32 का याद करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे में ये था कि गाइडेंस की कमी थी, और मुझे लगता था कि अगर मैं सब कुछ मतलब घोर के पी जाऊंगी ना तो मेरा जल्दी जॉब हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता था कि मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ लूँ, और पढ़ाई में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। तो जैसे कि अभी चाय मैं बना रही हूँ तो मैं टेबल्स ले लेती थी और टेबलों को याद करती रहती थी, या फिर कोई भी काम हो जैसे कि रोटी बनाना हो, सब्जी बनाना हो, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ याद ही करती रहती थी। जैसे कि मैंने सुबह में एडिटोरियल पढ़ा, तो वो एडिटोरियल में जितने भी वर्ड मीनिंग्स मुझे मिले, तो खाना बनाते समय या फिर कोई भी काम करते समय मैं उसे रिकॉल करते रहती थी कि आज सुबह कौन कौन से मुझे वर्ड मीनिंग मिले। अच्छा, तो यानी कि खाना बनाते टाइम भी मैं पढ़ा करती थी, भले ही मोबाइल और कॉपी किताब की सहायता से नहीं, लेकिन जो मैंने मतलब कि बैठ के पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करती थी। और आप करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आप खाना बना रहे हो ना, तो एडिटोरियल में जो भी पढ़ा हो या फिर आपको टेबल याद नहीं है, तो जैसे आपको 22 का पढ़ा याद करना है तो सुबह में आप 10 मिनट पढ़ लो, उसके बाद पूरे दिन उसको, अगर आप घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, तो 22×4=88, 22×5=110, 22×9=198, 22×8=176, ऐसे ऐसे आप याद करना। तो ये सारी जो टाइमिंग थी ना, ये मिला जुला के मेरे 16-17 घंटे हो जाते थे। तो ये है मेरे 16-17 घंटे पढ़ाई का राज। यहाँ तक कि मैं सोने के टाइम में जैसे मेरी आँख लग गई, मैं बेड पर चली गई, उस टाइम भी मैं रिकॉल करती थी, जैसे कि करेंसी स्पेन मैड्रिड, उसके बाद उसकी कैपिटल, फिर उसकी करेंसी बांग्लादेश, ढाका, टाका, पाकिस्तान का कैपिटल, ऐसे जितने भी देश होते हैं ना, जैसे चाइना, रेन बेबी, जापान, टोक्यो, येन, ऐसे कर करके मैं याद करते रहती थी। तो इस तरह से मैंने लगभग जितने भी देश और करेंसी, जैसे आशीष गौतम सर अभी बताते हैं, लेकिन ये सारी ट्रिक मैंने 2013-14 में यहाँ पे की थी, यहाँ पे। तो इस लेवल का मेरा डेडिकेशन था, और इस वजह से मैं जीरो इंग्लिश में 0 से लेके 30 तक गई थी, ऐसे डेडिकेशन दिखा के। तो ये था मेरे 16-17 पढ़ाई घंटे पढ़ाई करने का राज। तो आई होप आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, एंड स्टॉप मेकिंग नेगेटिव कॉमेंट। ओके, वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।